हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 10, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर 10, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा के स्रोत या संसाधन। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स मीन सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ थ्रू माइनिंग। मिनरल्स वो तत्व होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम पृथ्वी से माइनिंग करके, खुदाई करके प्राप्त करते हैं। विच हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, और ये ह्यूमन बींग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एंड हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू, और इनकी कुछ आर्थिक वैल्यू भी होती है। दे आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिजिकल और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं इन देयर फॉर्मेशन, मिनरल्स के बनने में। ओके, मिनरल्स के बनने में फिजिकल और जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दैट इज़ वाई दीज हैव बीन क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक मिनरल्स, इसीलिए उनको इनको बायोटिक और अबायोटिक मिनरल्स में बांटा गया है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ETC आर बायोटिक मिनरल्स। ठीक है, जैसे कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैसेस होती हैं, ये बायोटिक मिनरल्स हैं। एंड आयरन, मैगनीज, माइका, ETC आर अंडर अबायोटिक कैटेगरीज। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स हैं ये अबायोटिक कैटेगरीज में आते हैं। इंडिया इज रिच इन मिनरल सोर्सेज, भारत मिनरल सोर्सेज में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही रिच है। द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री हैज़ प्रोवाइडेड मैनी मिनरल्स, हमारे देश का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसने बहुत सारे मिनरल्स प्रदान किए हैं, मिनरल्स प्रोवाइड किए हैं। आउट ऑफ द टोटल मिनरल्स वेल्थ, जो कुल खनिज संपदा है, मिनरल वेल्थ है ऑफ इंडिया, भारत की, इसमें 96% ऑफ मिनरल्स रिजर्व आर फाउंड इन पेनेंजोर प्लेटू, अरावली माउंटेन रीजन, ब्रह्मपुत्र वैली, हिमालयन रीजन्स एंड साउदर्न कोस्टल रीजन्स। ठीक है, भारत की जो खनिज संपदा है उसमें से 96% जो मिनरल है वो कहाँ पाए जाते हैं, पेनेजोर प्लेटू में पाए जाते हैं, अरावली माउंटेन रीजन्स में, ब्रह्मपुत्र वैली, हिमालय रीजन्स एंड साउदर्न कोस्टल रीजन्स पाए जाते हैं। मिनरल्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग कैटेगरीज, भारत में जो मिनरल्स हैं उनको निम्नलिखित कैटेगरीज में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो फर्स्ट वन इज मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिज। मिनरल्स विच कंटेन सम पार्ट ऑफ मेटल, ऐसे खनिज, ऐसे मिनरल्स जिसमें कुछ पार्ट किसका होता है, मेटल्स का होता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, फिर इसको कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, फ्यूरियस मिनरल्स, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनको फिर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला आता है फ्यूरियस मिनरल्स, मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट्स, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन और क्रोमाइट, पैराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, ETC। ठीक है, ये फ्यूरियस में आते हैं। और नॉन फ्यूरियस मेटल डिवाइड ऑफ आयरन कंटेंट्स, जो आयरन कंटेंट्स थोड़े अलग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, बॉक्साइड। ठीक है, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है उनको हम नॉन फ्यूरियस मेटल्स, मिनरल्स कहते हैं। सेकेंड आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स विच डू नॉट हैव मेटल्स कंटेंट्स, ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट्स नहीं होते हैं, डू नॉट हैव मेटल कंटेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स को हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस।
ठीक है। ये कुछ खनिज हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, माइका, ठीक है। इसमें मेटल कंटेंट्स नहीं पाया जाता है। एनर्जी मिनरल्स आर आल्सो इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो एनर्जी मिनरल्स होते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं, वे मिनरल्स भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरीज में शामिल होते हैं। दीज मिनरल्स गिव हीट और एनर्जी। ये मिनरल्स क्या देते हैं? हीट और एनर्जी देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज के आधार पे दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज फ्यूल मिनरल्स। मिनरल्स विच आर यूज एज अ फ्यूल, वे मिनरल्स जिनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, मटेरियल्स आर कॉल्ड फ्यूल मिनरल्स। इनको हम फ्यूल मिनरल्स कहते हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटीसी, ठीक है। जैसे कोयला ईंधन के रूप में यूज होता है, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैसेस भी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर मिनरल्स। मिनरल्स विच गिव एटॉमिक एनर्जी, वे मिनरल्स जो एटॉमिक एनर्जी प्रदान करते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पावर मिनरल्स कहते हैं। दे इंक्लूड यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, लेमोनाइट, ईटीसी, ठीक है। इसमें ये सारे मिनरल्स इंक्लूड हैं। अबाउट 100 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया। नियर अबाउट कितने? 100 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से आउट ऑफ विच देर आर 52 नॉन मेटेलिक। इसमें 52 मिनरल्स कितने हैं? नॉन मेटेलिक हैं, 10 मेटेलिक एंड 23 माइनर मिनरल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, एंड 4 आर फ्यूल मिनरल्स विच आर फॉर्म 3.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड 11% ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है। और इनका GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 3.4%, ठीक है, और 11% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। मेजर मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया। भारत में जो मिनरल्स हैं वो कहाँ कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं? इन इंडिया देर आर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। भारत में जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन है, असामान्य है। इन इंडिया देर आर 5 मेजर मिनरल्स बेल्ट। भारत में जो मिनरल्स की बेल्ट हैं, जहाँ मुख्य रूप से मिनरल्स पाए जाते हैं, वो मुख्य 5 बेल्ट्स हैं। तो सबसे पहली है नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर बेल्ट। सबसे पहले आती है उत्तर पूर्वी पेनिनसुलर बेल्ट। दिस बेल्ट इज स्प्रेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू टू ओडिशा प्लेटू रीजन। ये बेल्ट कहाँ से कहाँ तक फैली है? छोटा नागपुर प्लेटू टू ओडिशा प्लेटू रीजन। दिस बेल्ट इज मोस्ट वेल्दीएस्ट मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया। ये जो बेल्ट है, श्रृंखला है, ये सबसे धनी मीन सबसे धनी, सबसे अच्छे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। इन दिस बेल्ट, इस बेल्ट में देर आर लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, आयरन ओर, मैगनीज, माइका, बॉक्साइट, कॉपर एंड मैनी अदर मिनरल्स। और ये जो बेल्ट है, इसमें बड़े बड़े भंडार हैं। कौन से मिनरल्स के? कोयले के, आयरन ओर के, मैगनीज, माइका, बॉक्साइट, कॉपर एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। इनके बहुत ही रिच जो रिजर्वर्स हैं, भंडार हैं, बहुत अधिक हैं। फिर आता है सेंट्रल बेल्ट। दिस बेल्ट इज एक्सटेंड इन द पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये बेल्ट कहाँ फैली हुई है? छत्तीसगढ़ के हिस्से में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये बेल्ट जो सेंट्रल बेल्ट है, इन राज्यों में फैली हुई है। दिस इज द सेकेंड वेल्दीएस्ट मिनरल बेल्ट इन इंडिया। ये भारत की दूसरी सबसे वेल्दीएस्ट मिनरल बेल्ट है। हेयर मिनरल्स रिजर्व ऑफ मैगनीज। यहाँ कौन कौन से मिनरल्स के भंडार पाए जाते हैं? मैगनीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मार्बल, कोल, एमएलएन, आयरन ओर, माइका और फाउंड इन गुड अमाउंट। ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। साउदर्न बेल्ट, दक्षिणी बेल्ट। दिस बेल्ट इज स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ कर्नाटक प्लेटू एंड हाईलैंड ऑफ तमिलनाडु। ये जो बेल्ट है, ये स्प्रेड इन द एरियाज ऑफ कर्नाटक प्लेटू
एंड हाई लैंड्स ऑफ तमिलनाडु, और तमिलनाडु के जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ फैली हुई है, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, जिसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर जो श्रृंखला है बेल्ट है। दिस इज ऑल्सो हैविंग गुड रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर एंड बॉक्साइट, और ये जो श्रृंखला है इसमें आयरन ओर और बॉक्साइट के बहुत अच्छे रिजर्व से भंडार है। बट देर आर विल पुअर डिपॉजिट्स ऑफ कोल, लेकिन यहाँ कोयला, माइका या कॉपर मिनरल्स हैं, इनके जो डिपॉजिट्स हैं बहुत ही कम हैं या ना के बराबर हैं। फिर आता है साउथ वेस्टर्न बेल्ट, दक्षिण पश्चिम बेल्ट। दिस बेल्ट इज एक्सटेंडेड इन साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड गोवा स्टेट्स। ये जो बेल्ट है ये कहाँ तक फैली हुई है? साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड गोवा स्टेट। हेयर रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, गार्नेट एंड क्ले आर फाउंड। यहाँ पे आयरन ओर के, गार्नेट के और क्ले के बहुत अच्छे भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न जो बेल्ट, उत्तर पश्चिमी बेल्ट। दिस बेल्ट इज स्प्रेड इन द अरावली रीजन्स ऑफ राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ गुजरात। ये गुजरात के लगे हुए क्षेत्रों में और राजस्थान के जो अरावली रीजन्स हैं वहाँ फैली हुई है। हेयर द रिजर्व्स ऑफ नॉन फ्यूरियस मेटेलिक मिनरल्स, यहाँ जो नॉन फ्यूरियस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, लीड, जिंक ATC, और फाउंड विद द डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, माइका, प्रीसियस स्टोन, जिप्सम, साल्ट ATC, ठीक है। और यहाँ यूरेनियम, माइका, प्रीसियस स्टोन, जिप्सम भी पाया जाता है। मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य मिनरल्स या मुख्य खनिज। सबसे पहला आता है आयरन ओर, इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ये जो आधुनिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इसकी बैकबोन है। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एग्नियस रॉक्स, और आयरन ओर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? एग्नियस रॉक से प्राप्त किया जाता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रसिया इन द वर्ल्ड इन इट्स रिजर्व्स। आयरन ओर के भंडारण में भारत दूसरे स्थान पे है रसिया के बाद में, रसिया फर्स्ट प्लेस पे आता है। फोर टाइप्स ऑफ आयरन ओर, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट एंड सेडराइट आर फाउंड इन इंडिया। भारत में चार प्रकार के आयरन ओर पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से? मैग्नेटाइट, नेमेटाइट, लेमोनाइट एंड सेडराइट। इंडिया हैज़ आयरन डिपॉजिट्स ऑफ 2300 क्रोर्स टन। भारत में जो आयरन का डिपॉजिट्स है वो कितना है? 2300 क्रोर टन्स, विच इज़ 20% ऑफ द वर्ल्ड अवेलेबिलिटी, जो कुल वर्ल्ड का 20% है। वर्ल्ड में जो आयरन ओर अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका भारत में 20% हो जाता है ये, ठीक है, 2300 क्रोर टन। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है मैग्नेटाइट 60-70% ऑफ आयरन एलिमेंट, 8% हेमेटाइट, 70-80% आयरन एलिमेंट, 85% एंड 7% ऑफ अदर काइंड्स, और 85% और 7% दूसरे काइंड्स के पाए जाते हैं। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इंडिया एज फॉलोज। भारत में जो आयरन ओर का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो निम्नवत है। फर्स्ट वन इज ओडिशा, सबसे पहले आता है ओडिशा। आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया 22% इज फाउंड इन ओडिशा। भारत में जो कुल उत्पादन होता है आयरन ओर का उसमें 22% अकेले कहाँ होता है? ओडिशा में होता है। हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स आर इन मयूरगंज, सुंदरगढ़ एंड केन जोहर डिस्ट्रिक्ट। जो हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर है ये इन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इसके डिपॉजिट्स इन जिलों में है उड़ीसा के। इट इज़ फाउंड इन ग्रूमिसिम, बदाम हिल्स आर इन मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट एंड आल्सो इन बांसपानी, ठकुरानी एंड किरुबुरू इन केवनझोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इन क्षेत्रों में, इन जिलों में पाया जाता है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड अदर कंट्रीज फ्रॉम पारादीप एंड विशाखापट्टनम पोर्ट। और जो आयरन ओर है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू जापान एंड अदर कंट्रीज, जापान और दूसरे देशों को, फ्रॉम पारादीप एंड विशाखापट्टनम पोर्ट, जो पारादीप और विशाखापट्टनम पोर्ट हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज कर्नाटक,
25% of total reserves and 26% of iron ore production is obtained from this state. जो कुल भंडारण है उसका 25% टोटल रिजर्व्स है एंड 26% ऑफ आयरन प्रोडक्शन, और 26% आयरन का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी राज्य से होता है. हेयर हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन ओर इज़ फाउंड, यहाँ भी हेमेटाइट टाइप का जो आयरन ओर पाया जाता है, उड़ीसा में भी यही पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? इन बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग एंड शिमोगा डिस्ट्रिक्ट. ये जो कर्नाटक के ज़िले हैं इन जिलों में पाया जाता है हेमेटाइट टाइप का जो आयरन ओर होता है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन बाबा बुडन हिल्स, केमांगुड़ी, कादरेमुख एंड इन चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये यहाँ भी पाया जाता है. दिस इज आयरन ओर इज रिफाइंड इन भद्रावती एंड विजयनगर, और ये जो आयरन ओर है इसको रिफाइन किया जाता है भद्रावती एंड विजयनगर में. ओके, तो कर्नाटक के जो विजयनगर और भद्रावती प्लांट से यहाँ पे आयरन को रिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन, आयरन के प्रोडक्शन में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है. 18% आयरन ओर ऑफ टोटल रिजर्वस, जो टोटल आयरन का रिजर्वस है उसका 18% पाया जाता है एंड 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, और जो कुल उत्पादन होता है उसका 20% प्रोडक्शन ऑप्टेन होता है इसी राज्य से प्राप्त किया जाता है. रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट टाइप, इस राज्य में हेमेटाइट टाइप का जो आयरन ओर होता है वो पाया जाता है. कहाँ पाया जाता है? बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, ठीक है, इन प्लेसेस पे पाया जाता है. बिलासपुर एंड रंजन गैम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजेंद्र गैम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन धल्ली, राजहारा रेंज, बैलेडिया, रावघाट एंड जगदलपुर रीजन्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन जिलों के ये क्षेत्र हैं यहाँ पे जो हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर है वो पाया जाता है. दिस आयरन ओर इज रिफाइंड इन भिलाई प्लांट, और ये जो आयरन ओर है इसको कहाँ रिफाइंड किया जाता है? भिलाई प्लांट में. एंड द रिमेनिंग आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड टू जापान, बाकी जो शेष बचता आयरन ओर इसको जापान में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट से. बेलाड़िया माइन इज द लार्जेस्ट आयरन ओर माइन इन एशिया, जो बेलाड़िया माइन है, बेलाड़िया खान है आयरन ओर की, ये एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइन है. ठीक है, कौन सी? बेलाड़िया. नेक्स्ट इज गोवा. इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री, ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है आयरन ओर प्रोड्यूस करने का. 11% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज ऑप्टेन फ्रॉम दिस स्टेट, हमारे देश का जो कुल आयरन का प्रोडक्शन होता है उसमें गोवा का जो शेयर है, पार्ट है, वो कितना है? 11% है. हेयर लिमोनाइट एंड सेडराइट टाइप ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, यहाँ पे जो लिमोनाइट और सेडराइट टाइप की इन्फीरियर, बहुत ही लो क्वालिटी जो होती है वो पाई जाती है आयरन ओर की. विद इम्प्योरिटीज अलॉन्ग विद मैगनीज इज फाउंड, और इसमें शुद्धते पाई जाती है, इसमें मैगनीज पाया जाता है इसके साथ साथ. द रिजर्वस ऑफ आयरन ओर हेयर आर फाउंड इन पिरना, एदलपेल, एस्नोरा, कुडनेम, सोरला, तोसिला, डोंगरवाडो एरियाज, ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इसके भंडारण पाए जाते हैं. एंटायर आयरन ऑब्टेन फ्रॉम हेयर इज एक्सपोर्टेड वाया मरामगाव पोर्ट, ठीक है, यहाँ जो आयरन ओर पाया जाता है इसको मरामगाव पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये मरामगाव पोर्ट कहाँ है? गोवा में है. कई बार ये क्वेश्चन मैप के थ्रू पूछा जाता है. नेक्स्ट इज झारखंड. इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री, ये पांचवा सबसे बड़ा राज्य है जो आयरन ओर प्रोड्यूस करता है. वेयर 10.4% टोटल आयरन ओर इज प्रोड्यूस, जहाँ हमारे देश का 10.4% आयरन ओर प्रोड्यूस होता है. रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर आर प्रेजेंट इन सिंहभूमि एंड पालामू डिस्ट्रिक्ट, और आयरन ओर के जो भंडारण है वो सिंहभूमि और पालामू डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं. इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम नौंडामुंडी, गोवा एंड दल्तोनगंज एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों के इन क्षेत्रों में आयरन ओर पाया जाता है. दिस आयरन ओर इज रिफाइंड इन कुल्ती एंड बरनपुर प्लांट्स, और इस आयरन ओर को कुल्ती और बरनपुर के जो प्लांट है वहाँ रिफाइंड किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है.
माइनिंग ऑफ आयरन ओर स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस डिस्ट्रिक्ट। और जो माइनिंग है आयरन ओर की, सबसे पहले इन्हीं, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इन्हीं में शुरू की गई थी। इन अदर स्टेट इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम तेलंगाना, सलेमन इन तमिलनाडु, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा एंड अलवर इन राजस्थान एंड महेंद्रगढ़ इन हरियाणा। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो दूसरे राज्यों में जो लोहा है, आयरन ओर है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तेलंगाना से, सलेमन तमिलनाडु से, उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर राजस्थान के अलवर से, महेंद्रगढ़ जो हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ से। इट इज़ थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम इन द फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट होने वाले आइटम है उसमें ये तीसरा सबसे बड़ा आइटम है। इट इज़ एक्सपोर्टेड टू जापान एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। इसको कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है? जापान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में। ओके okay?